Hello, learners. This is Alisha Mahajan from Alisha Academy and An Academy. So, in this lecture video, we'll be covering the statement of profit and loss. पिछले लेक्चर वीडियो में हमने क्या बात करा था? पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा था और बैलेंस शीट. सो नाउ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा तो दैट विल बी योर सेल्स. दैट विल बी योर सेल्स. और अगर कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा दैट विल बी योर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यही बात आपको याद रखनी है. अगर तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा दैट विल बी सेल्स. ठीक है जी. कितनी उन्होंने एक्टिविटीज करी प्रॉफिट अर्न करने के लिए? सेल. सेल्स में याद रखे कॉस्ट भी आता है प्रॉफिट भी आता है ना. सेल में आपका ये याद रखें कि सेल और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है. सेल्स में आपको जितने का बेचा वो आता है और प्रॉफिट में जितनी आपकी लागत है उसको माइनस करके दिखाया जाता है. अदर इनकम्स. अदर इनकम कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब डे टू डे एक्टिविटीज के अलावा आप कोई इनकम अर्न करते हो तो दैट विल बी पार्ट ऑफ अदर इनकम. लाइक इंटरेस्ट गेन करा है ना, सो वो अदर इनकम में आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड इज नन अदर देन डेप्रिसिएशन. ओके जी. सर, डेप्रिसिएशन को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल. ठीक है जी. उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब है? आप परचेज कर रहे हो चीजें रीसेल करने के लिए. ओके जी. आप कुछ चीजें परचेज कर रहे हो सेल करने के लिए. जैसे मैं फोन्स बेचती हूँ तो फोन खरीदूंगी ना पहले, उसे बोलेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. ये मतलब क्या है? इट इज अ सम ऑफ डिफरेंस. ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होता है ना उसके टोटल को बोला जाता है. और ये प्रॉफिट एंड लॉस में इसको भी शो किया जाता है जो आपका टोटल होता है. लाइक फिनिश गुड का कितना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक बचा, वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टॉक इन ट्रेड का, तीनों का. ठीक है जी. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. वेजेस हो गया. एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब वर्कर्स को दी जाने वाली वेजेस, एम्प्लॉयज को दी जाने वाली सैलरीज, बोनस, स्टाफ वेलफेयर, ये सारी मतलब एम्प्लॉयज के लिए जो खर्चे किए जाते हैं. फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी दैट इनकर टू बोरो. जैसे अगर लोन लिया है तो लोन का क्या होगा? इंटरेस्ट. ओके. सो लोन का क्या लेंगे हम? इंटरेस्ट. और सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अदर मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, ये आ जाएंगे आपके. ठीक है जी. और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को अलग से क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है. सो डेप्रिसिएशन तब होता है जब टेंजिबल एसेट को हम की वैल्यू रिड्यूस करते हैं और अमोर्टाइजेशन होता है जब इनटेंजिबल वैल्यूज की वैल्यूज को हम दिखाते हैं कि वो कितना कम हो गया है. ओके. अदर एक्सपेंसेस इसके अलावा और भी थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं. एक्सपेंसेस शोन अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, इनको क्या बोल देंगे? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कोई भी एक्सपेंसेस है. ठीक है जी. जैसे कौन से होते हैं एक्सपेंसेस? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है ना, जनरल एक्सपेंसेस. तो ये हमने चैप्टर खत्म कर लिया है. एंड नाउ आपको ये ध्यान रखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है. जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें जो सारे खर्चे दिखाए जाते हैं वो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद पहले के होते हैं, सॉरी पहले के होते हैं. और जो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होता है जब आपका प्रॉफिट आ जाता है उसके बाद के होते हैं. ठीक है जी. जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डिविडेंड देना है. ठीक है जी. और कोई चीजें करनी है. यहाँ से आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 इस, ये क्या है? कंटिंजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है ना. तो ये बोलते हैं कि करंट ईयर में पहले डिविडेंड प्रपोज किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड. पर पेमेंट कब होती है? अगले साल. अगले साल आपकी पेमेंट करी जाती है. ठीक है जी. कौन इसको एनुअल जर्नल मीटिंग में इसको अप्रूव करना पड़ता है तभी ये काम चलता है. ठीक है जी. इट इज शोन इन द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज, ये कहाँ पर शो होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस में, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अब प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क होता है ये भी देख लेते हैं. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए. इसको हम प्रॉफिट स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को
को अभी हम यहाँ पर फिनिश करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय.